प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम निकल रहे हैं दिल्ली से ग्वालियर के लिए। हम लोग राजस्थान और गुजरात वगैरह जो है वो उसे अवॉइड कर रहे हैं और सीधा हम एमपी से निकल रहे हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे ग्वालियर, ग्वालियर से जाएंगे इंदौर और फिर इंदौर से नासिक। नाउ लेट्स सी क्या क्या हमें रास्ते में मिलता है और क्या क्या होता है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं। तो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आई मस्ट से कि दिल्ली की रोड्स बहुत अच्छी हैं, वेल मेंटेन्ड है, और जैसे चंडीगढ़ में था ना सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल वैसे ही है। जगह जगह पे सिग्नल्स हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही सिग्नल्स हैं, फटाफट सिग्नल्स आ जा रहे हैं। और ये जो राउंड अबाउट होता है ना, ये गोल घूम के जो सर्कल होता है, ये भी बहुत हैं और अच्छे बनाया उन्होंने। पानी वानी बढ़िया, झरना वरना सब रखा है, ग्रीनरी बहुत अच्छे से रखी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का प्रॉब्लम होता है। तो गाइस, अभी हम लोग जहाँ से जा रहे हैं, बढ़िया मस्त लग रहा है, ऊपर भी उन्होंने कवर करके रखा है, आ जाइए। और बढ़िया एक टनल, टनल तो नहीं कह सकते, बट हाँ, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, आई मस्ट से बढ़िया बनाया है यार। ऐसी कुछ चीज़ें अपने मुंबई में भी होनी चाहिए, मज़ा आ जाएगा। आगरा ओल्ड फरीदाबाद, और ये बेसिकली हम फरीदा बाईपास से आए हैं, तो ओल्ड फरीदाबाद और आगरा वगैरह की जो रोड ये है वो यही है, आई मीन उसी की रोड है ये। और यहाँ पे दिल्ली में सेक्टर वाइज होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है सेक्टर 32, 33, ओल्ड फरीदाबाद, आगरा। अभी हरियाणा में भरा रहा हूँ मैं पेट्रोल। हम लोग आउटस्कट से भी आउटस्कट में दूसरे ही स्टेट में आ गए, तो अभी करा रहे हैं फुल। यहाँ पे है 97.33 रुपीस। बेसिकली हम लोग हरियाणा क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, तो रोड से प्रीटी गुड, ट्रैफिक भी कम ही मिला है। तो अभी यहाँ से आगरा का स्ट्रेट दिखा रहा है, तो हम आगरा के लिए निकल रहे हैं, और रोड्स बढ़िया हैं, तो मज़ा आ रहा है भगाने में। फ्रेंड्स, तो अभी हम दिल्ली से जा रहे हैं ग्वालियर, और बीच में लिया है हमने एक ब्रेक, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो अब हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट कम लंच यानी कि करने वाले हैं ब्रंच। ये होटल है शिवा ढाबा नाम का, पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवन रहने की भी सुविधा मिल जाएगी। तो गाइस, सबसे पहले आया है हमारा मसाला पापड़, जो कि थोड़ा कम साइज़ में, बट इट्स ओके। और ये आया है चिली पनीर, हमने ट्राई कहा था, बट ये थोड़ा लुटपुता है, कोई बात नहीं, मक्खन के साथ आया। और यही है नान। लास्ट में हमने बुलाया लस्सी कुल्लड़ में, ये है मीठी लस्सी। तो गाइस, हम लोग हरियाणा से आ गए हैं यूपी में, मथुरा में। यूपी से होते हुए हम जाएंगे एमपी। हम कितने स्टेट्स क्रॉस कर गए यार, आई मीन टू से पूरे ये लेह लद्दाख में ना हम लोग ने अच्छे खासे स्टेट्स क्रॉस किए हैं। यहाँ से है अभी मथुरा, आगरा, फिर उसके बाद में ग्वालियर के लिए रास्ता निकलेगा। ग्वालियर 135 किलोमीटर स्ट्रेट दिखा रहा है, तो उसके हिसाब से जो है वैसे ही करना पड़ेगा। तो कभी कभी गूगल माता कुछ और ही रास्ता बता देती है। एनीवेज, अभी हम सही ट्रैक पे हैं। तो गाइस, इस तरीके से भी जाया जाता है, लोग ऑटो पैसे चढ़ के जाते हैं, क्या बोलोगे, सब देखते हैं, अच्छा फील होता है, अटेंशन काफ़ी मिलता है। बाईपास से तो हम लोग निकल गए थे, तो हम आगरा क्रॉस कर गए, आगरा कब आया के निकला पता ही नहीं चला। अब यहाँ से 95 किलोमीटर दिखा रहा है ग्वालियर, तो एमपी की बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं होगी। ये जो है ट्रेलर, ये लेके जा रहा है ट्रैक्टर्स को, ऐसे बहुत से ट्रेलर्स हम लोगों ने देखे हैं। गाइस, यहाँ पे बारिश आके बंद हो गई है, अभी बूंदाबांदी हो रही है बस थोड़ा बहुत, थैंक गॉड बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं हो रही, नहीं तो फिर साइड में लगाना पड़ता गाड़ी और रेन गेयर्स पहनने पड़ते, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, आराम से हम निकल जाएंगे, बस ग्वालियर पहुंच जाए, फिर उसके बाद बारिश हो तो कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ के एक ब्रिज से गुजर रहे हैं, नाम याद नहीं है मुझे इसका, देखता हूँ आगे अगर दिखेगा तो मैं आपको बताऊँगा, बहुत बढ़िया ब्रिज है। तो गाइस, यहाँ पे गिर रही थी बहुत ज़ोर से बारिश, इसलिए हमने अपनी बाइक से यहीं लगा दी और यहाँ पे हम अंदर आ गए, और अंदर अब हम लोग पी रहे हैं चाय कॉफ़ी, जो कि ऑलरेडी फ़ोटो खींच रही है इंस्टाग्राम के लिए। ये आई है हमारी चाय कॉफ़ी, कप में आई है, बाकी चाय हमें कुल्लड़ में मिली है। तो अब हम लोगों ने रेन गेयर तो नहीं डाला, बहुत ही आलसी लोग हैं हम लोग ने सोचा कि अब बढ़िया मस्त
हवा तो आ ही रही है, 45 किलोमीटर दूर है, तो ज़्यादा फासला नहीं है, एक घंटे का है। अब एक घंटे में बारिश दोबारा होने की शंकाएं थोड़ी कम है। एक्चुअली रोड अच्छी है, बट जो ये ट्रक्स है ना, ये बहुत ज़्यादा है। ये देखो आप, लाइन से ट्रक्स है। अब कुछ ट्रक्स तो ऐसे हैं जो अपने लाइन में बराबर चलते हैं, कुछ ट्रक्स ऐसे हैं जो लेफ़्ट में चिपका देते हैं, पर चिपकाते हैं ऐसा नहीं चिपकाते हैं कि मतलब क्या बोलना है यार इनको, कि मतलब जगह भी नहीं छोड़ते हैं कि हमको निकाल सके कोई इंसान। और ये देखो, ये ऐसा चिपका देते हैं लोग। भाई ऐसा क्यों करते हो यार, इनकी गाड़ी नहीं निकलनी है तो दूसरे की भी गाड़ी नहीं निकलने देंगे वो, ऐसा रहता है सच में यार। ट्रैफिक और ट्रक्स, इसी की वजह से हमारा थोड़ा टाइम किल हुआ। अभी एमपी में आ चुके हैं, एमपी में हम पधार चुके हैं। भाई हाथ इंडिकेटर नाम की एक चीज़ होती है, वो दे दो यार। अरे अंकल हाथ इंडिकेटर कुछ तो दो यार, अजीब नमूना है। इससे समझ में आ गया कि मैं अपने स्टेट आ गया, क्योंकि मेरे स्टेट में ऐसे लोग बहुत हैं। एनीवेज, वी आर इन मध्य प्रदेश, द हार्ट ऑफ इंडिया। हार्ट है भाई, इसलिए तो उसका नाम है मध्य, यानी बीचों बीच। दिल है ये हिंदुस्तान का। एमपी में बहुत कुछ है गाइस घूमने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट काना केसरी वगैरह है, जो सबसे बड़ा टाइगर फार्म है, टाइगर सेंचुरी है। स्पोर्ट नगर, रेलवे स्टेशन, बोधापुर, और हम जा रहे हैं ग्वालियर। तो यहाँ से कट आया है और सब जन यहीं पे ले रहे हैं, तो गूगल माता की हम सुन के चल रहे हैं। मौसम बहुत बढ़िया हो गया है, बहुत 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 बढ़िया हो गया है। बारिश बहुत ज़्यादा है, आई डोंट नो गोप्रो में दिख पा रही है कि नहीं, मगर बारिश अच्छी खासी है। माफ़ कीजिएगा अगर आवाज़ अच्छे से नहीं आ पा रही हो, या इधर पानी जम जा रहा हो, कोशिश पूरी है। भरी बरसात में आपका भाई ब्लॉगिंग कर रहा है। अब हम आ चुके हैं ग्वालियर एयरपोर्ट में, दिखाता हूँ यार। अब बस होटल मिल जाए अच्छा वाला, चाणक्य भी बना हुआ, ये देखिए, और गूगल माता भी इधर ही दिखा रही है। एक्चुअली यहाँ से सिटी स्टार्ट है, तो हम सोच रहे थे अगर आउटस्कर्ट में हमें मिल जाता तो ज़्यादा बेटर होता निकलना, क्योंकि जितना हम सिटी के अंदर घुसेंगे फिर वापस निकलने में उतनी तकलीफ होती है। तो फ्रेंड्स, हम आए हुए हैं ग्वालियर और हम स्टे कर रहे हैं होटल विरासत में। बाहर से कुछ लुक ऐसा है, ये है शुद्ध शाकाहारी होटल। बारिश है इसलिए इन्होंने कवर किया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे पार्किंग है आपकी बाइक के लिए, ऊपर बालकनी है, ये एंट्रेंस है, ये रिसेप्शन है, और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की भी सुविधा मिल जाएंगी यहाँ पे। इनके पास लिफ्ट भी है और सीढ़ी भी है। पैसेज में भी काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया गया है। और जैसे आप फर्स्ट फ्लोर में आते हैं तो यहाँ पे आपको बैठने की सुविधा मिल जाएगी, सोफ़ा वगैरह लगाया हुआ है। और यहीं से स्टार्ट होता है सारा रूम। अभी भाई एसी ऑन करके आया, तो ये सबसे पहले ही दिखा देता हूँ छोटा बेड, माफ़ कीजिएगा गीला होगा क्योंकि हम सब पूरा बारिश में भीगते हुए आए हैं। ये अभी हमने सामान रख दिया, बट आपको एक रूम दिखा देता हूँ। ये देखिए, अच्छा खासा बड़ा रूम है, किंग साइज़ बेड भी मिल जाता है, प्लस नीचे भी स्टोर है। और ये है बाथरूम, ये भी अच्छा खासा बड़ा है। द बेस्ट पार्ट इज़ गीज़र है भाई, एसी भी है, कर्टन्स वगैरह बढ़िया, काफ़ी बड़ा और स्पेशियस रूम है, तीन जन के हिसाब से बहुत बढ़िया है। तो गाइस ये आ चुका है हमारा पोहा और बढ़िया चाय। रुक रुक रुक, उतरो उतरो, गाड़ी ठोक रहा है, गाड़ी चला रहा है, मजाक कर रहा है, वो उड़ा रहा था। तुमने उसको चिपकाया, मेरे को चिपकाते हो बच्चे, मेरे कोहनी के पास से क्या बता रहा हूँ। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकॉन है तो आप उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरीके के नए वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है, जहां हम हमारे चैनल से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स डालते रहते हैं, तो आप हमें उस पर भी फॉलो कीजिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहो, खुश रहने दो, प्रेज द लॉर्ड, बाय।